डिसाइड कर लिया तो कर लिया, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। जॉब तो मुझे अगले दिन ही मिल जाएगा, वही अमेरिका में। अरे अब तो अमेरिका जा रहा है, मैं आर्मी में अकेला क्या करूंगा। मुझे कुछ बनना था। क्यों ज्यादा है इस वक्त का स्क्रीन टाइमिंग? सुना आमिर खान ने बेवो को। हेलो दोस्तों, आज मैं आपकी होस्ट कम दोस्त ज्यादा हितांशी कोठारी और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में। आज हम बात करने जा रहे हैं लाल सिंह चड्ढा फिल्म से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग खबरों पर। तो एक्साइटमेंट को ऐसे ही बरकरार रखें, वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। आमिर खान और करीना कपूर स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा दोस्तों। अब ये फिल्म तो एक काफी फेमस और ब्लॉकबस्टर फिल्म फॉरेस्ट गम की रिमेक है। जी हाँ दोस्तों, ये हॉलीवुड की फिल्म फॉरेस्ट गम जिसमें टॉम हैंक लीड रोल में नजर आए थे, उसकी ही ये रिमेक होने वाली है और इस फिल्म ने कई अवार्ड जीते हैं। बस इस फिल्म का हिट रिस्पॉन्स सुनकर आमिर खान ने उधर जाकर इस फिल्म के राइट्स खरीदे। वैसे तो ये फिल्म 1994 की है, बट आमिर ने राइट्स लॉकडाउन के पहले ही खरीदे थे। अब ये तो बॉलीवुड में होता ही रहता है, कभी साउथ का रिमेक तो कभी हॉलीवुड का रिमेक। अब इस फिल्म की रिलीज डेट तो बस एक हफ्ते दूर है और इस फिल्म का स्क्रीन टाइमिंग एंड एज वैलिडिटी भी हाल ही में डिक्लेयर किया गया है CBFC द्वारा। और इसका मतलब है कि ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का डिपार्टमेंट मैनेज करता है कि कौन सी फिल्म का कितना स्क्रीन टाइमिंग होगा, कौन से सीन्स वैलिड है और कौन से नहीं और बहुत कुछ। तो बस लाल सिंह चड्ढा के लिए भी 164 मिनट्स का स्क्रीन टाइमिंग डिक्लेयर हुआ है, जो कि 2 hours 44 minutes and 55 seconds है। और इसे UK वैलिडिटी मिल गई है, यानी कि सभी मिलकर देख सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली सब लोग। वैसे तो काफी समय बाद इतनी लंबी स्क्रीन टाइमिंग वाली फिल्म आ रही है और इसका रीजन ये है कि ये बहुत ज्यादा ही पुरानी फिल्म का रीमेक है और इतनी पुरानी है कि बस उस टाइम पर ऐसी लंबी स्क्रीन टाइम वाली फिल्में बनती थी। अब इसका ओरिजिनल वर्जन भी सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मिलकर देख सकते हैं आज ही। तो बस लाल सिंह चड्ढा फिल्म के लिए भी ऑडियंस उतनी ही एक्साइटेड है। बस अब आने वाली है ये फिल्म और इस फिल्म के साथ साथ फिल्म की जोड़ी के लिए भी लोग ज्यादा एक्साइटेड है। तो ये क्यों है बोलिए बोलिए, अगर नहीं पता तो हम ही बता देते हैं। इस फिल्म की पहले बेबो यानी कि करीना कपूर और आमिर खान ने फेमस मूवी 3 Idiots में अपनी केमिस्ट्री दिखाकर सभी को बहुत खुश किया था। फिर ये दोनों एक साथ लंबे समय तक दिखे नहीं। वैसे करीना तो चाहती ही थी कि वो आमिर के साथ फिर से काम करे, वो भी जल्द से जल्द। एंड जब ये प्रोजेक्ट करीना को बताया तो वो खुशी के मारे झूम उठी। ये स्टोरी भी ऑन पॉइंट है, आमिर भी लीड में है और आमिर ने भी दोस्तों करीना को ही चूज किया। ऑडियंस एंड इंडस्ट्री के साथ साथ ये दोनों भी जानते हैं कि इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कितनी जोरदार है। अब आमिर का कैरेक्टर होने वाला है लाल सिंह चड्ढा का, जो मोस्ट अवेटेड कैरेक्टर है। अब इसमें उन दोनों के साथ साथ हमें दिखने वाले हैं नागा चैतन्य और मोना सिंह। और हाँ, रिनाउंड कास्ट है। आखिर में आमिर की फिल्म जो है हमेशा सभी आर्टिस्ट परफेक्ट होते हैं। एंड अब इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अद्वैत चंद। अब इन सभी के साथ साथ आपको फिल्म से रिलेटेड एक और बात बता देते हैं, इनके साथ में ओरिजिनल फिल्म नहीं देखी हो तो। उसमें टॉम हैंक्स भी अपनी माँ की बिताई राह पर चलते हैं एंड उसी के कारण वो जो बनना चाहते थे बन गए। वो काफी इनोसेंट अनअपोलोजेटिक एंड होपफुल रहते हैं उनकी लाइफ में, ठीक वैसे ही आमिर भी यही अंदाज पोर्ट्रे करने वाले हैं, एकदम बेचारे टाइप। उनका जो सेल्फ वाला किरदार होगा जो काफी इंस्पायरिंग है एंड बहुत ज्यादा इमोशनल भी है। अब ये सब क्यों, कैसे, कब होगा वो तो आपको फिल्म के रिलीज होने पर ही समझेगा। तो एक्साइटमेंट को एकदम बरकरार रखिए दोस्तों, क्योंकि ये फिल्म आने वाली है 11 अगस्त को बड़े पर्दे पर। आपका क्या कहना है दोस्तों, क्या फॉरेस्ट गम के जैसे सबका दिल जीत पाएगी ये फिल्म? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं आपके थॉट्स। और वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। हम फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू।